हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और बार फिर हम आपसे मुलाकात हुई है। तो मतलब आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ब्लॉग, 3:45 बज चुके हैं। 3:45 बजने के बाद अब आज थोड़ा एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, तो एक्सप्लोर देखते हैं मतलब कहाँ चलते हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी लग चुका है। अब 10 तारीख तक का लॉकडाउन लग चुका है। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट इसलिए भी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी पहले, तो अब थोड़ा ठीक हुई। तब उसके बाद अब लग रहा ना तुम्हारा भाई थोड़ा मतलब एनर्जी उस लेवल पे नहीं है, पर थोड़ा ठीक है, मतलब हाँ ओके चलेगा। मतलब ले रहे थोड़े शॉर्ट शूट लेते हैं, सिनेमैटिक। थोड़ा खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद चलते हैं कहीं, निकालते हैं कुछ चीज़ें बढ़िया बढ़िया सी, सिनेमैटिक शॉट थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं घर के पास। ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की बहुत गंदे भयंकर तरीके से केसेज आ रहे हैं, और एरिया भी हमारा पूरा तगड़ा ही चल रहा है हमें सिस्टम, तो इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं, सेफ्टी के साथ अपना बढ़िया करके आराम से आएंगे। खाना लेता हूँ फिर आपसे बात। तो खाना बन चुका है, खाने में आज राजमा की दाल, मतलब टेस्टी ओपी। थोड़ा हैवी को ऐड करना, पर चलिए भी चलता है, अपने पे भी खाएंगे, इसके लिए खाएंगे, है ना। चलते हैं फिर खाना खाते हैं, और चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है यार खाना खाने में। मतलब दिन का खाना ना दाल भात कहते हैं जिसे, हम तो पहाड़ लोग हैं, दाल भात कहते हैं। दाल भात तो यार चटनी के बिना मज़ा ही नहीं आता। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो फिर अभी खाना खाता हूँ, फिर रेडी होता हूँ, रेडी होने के बाद मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने खाना खा लिया था, फिर खाना खाने के बाद अब तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, देख लीजिए जैसे ये पूरा रेडी। तो रेडी होने के बाद अब निकल रहे थे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, छोटा मोटा देखते हैं अगर कहीं मिलता है कुछ थोड़ा बड़ा, यहाँ पर शॉर्ट्स बढ़िया आ जाएं। तो मैं बताऊँ ना, तो मेरी धनो ना यहाँ पर खड़ी होती, मेरी कलावती यहाँ पर खड़ी होती थी, मेरी कलावती। और ये जो स्कूटर देख रहे हो ये मेरे पापा का है, और पापा को जब से पहला लॉकडाउन लगा था ना, तो पापा को तब से मेरी स्कूटी जाना लगे, तो तब से पापा को वही पसंद आ गया, और पापा ने अपना यहीं रख दिया, और मेरी जो कलावती थी वो पापा लेके चले गए। और आप जो ये रोड देख रहे हो ना, ये देखो, ये रोड ये पूरी स्कूटियों की ऐसी की तैसी कर रही थी इस रोड में, मतलब भयंकर इतना टाइम हो गया है, सारी रोड बन गई भयंकर, वो मेन रोड तक बन गई, और ये हमारी गली की रोड ही नहीं बनने को तैयार हो रही, पता नहीं क्या भयंकर कब तक हमें मशक्कत। और बरसात में तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है भयंकर, पूरा पानी पानी भर जाता है। तो अगर कोई भी मतलब शासन प्रशासन से कोई भी देख रहा है तो थोड़ा काम कीजिए, देखो ये। यहाँ पे तो कल बंद था गाई, पाइप लगाया था कल हमारे लिए, तो कल हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ा, तो आज हम सीधा सीधा जाएंगे, ठीक है। आप मजे लीजिए, गन्ने दिखाओ उन्हें भाई, चेंजीगढ़ ये देखो देहरादून में अगर आपको ऐसी ऐसी लोकेशन मिले तो मतलब क्या मजा ही कुछ और है। तभी तो लोग देहरादून की तरफ पलायन कर रहे हैं, पल रहा है देहरादून में, ऐसे बेस्ट बेस्ट प्लेसेस मिलेंगे आपको। अभी तो ऊपर की तरफ नहीं है, हमारे घर के आसपास की जगह है जहाँ से हमने शुरुआत करी है, और देखिए अभी आपको आगे और नज़ारा दिखाएंगे, तगड़ा तगड़ा सिनेमैटिक्स वगैरह सब। हाँ देखिए आप कितनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन दी है, ये देखो हम पर्वतों के ऊपर है, मतलब ऐसा बिल्कुल ऊपर, ये देखिए नीचे खाई जैसा, इसके ऊपर भी और है इधर, और ये बताऊँ आपको, देखो ये पेड़ देखो क्या बढ़िया पेड़ है, ये देखो क्या प्यारा सा पेड़ है, देखो ऐसे करके इसमें बैठ जाओ, ये बढ़िया सा है बिल्कुल, मतलब लोकेशन ना आपको देहरादून में इतनी प्यारी प्यारी मिलेगी ना, तो
बस उसी पर जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढते हैं जगह जगह ऐसे। अभी तो फिलहाल घर के आसपास ही ढूंढ रहे हैं, तो घर के आसपास जाते जाते देखो क्या भयंकर भयंकर लोकेशन आपको मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो ये है लोकेशन, और यहाँ पे पीर बाबा की मज़ार भी है, पीर बाबा की मज़ार है। ये देखो क्या मतलब, ये रास्ता निकलता है एक उधरी को, ये भी उधरी को निकलता है, एक रास्ता ये निकलता है पीछे को, और ये नज़ारा देखो क्या प्यारा है यार ये, बस आई जस्ट लव इट। ये देखो ऊपर पहाड़ी को जा रही है ऐसे, मज़ा सा है, मतलब हेवन, सॉर्ट ऑफ हेवन। और हम आ चुके हैं, ये देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम का होगा ना, ये देखिए आवाज़ सुन सकते, ये है वो टूटा बोल, और पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको उधर, देखो उधर मशीन लग रही है, मतलब गेहूँ निकाले जा रहे हैं, गेहूँ भूसा, मतलब ये देहरादून में ना, मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा टूटा पुल में। तुम्हारे भाई की देखो तुम फिटनेस देख लो, इतने कम से कम 5-6 फुट की वो है दीवार, 6 फुट की, वहाँ से कूद रहे। ये देखो टूटे पुल, अब एक वीडियो वीडियो के लिए आए हम, देखो ये टूटा पुल अंग्रेजों के टाइम का, ये देखिए ये हमारे देखो पुल हिल रहा है, पुल हिल रहा है कि ऐसा कह रहे हैं। पानी देखिए, पानी के सारा है पीछे, नदी है, और ये थोड़े वैसे तो मतलब शॉर्ट ऑफ घर होते हैं ना गुज्जर गुज्जर जी लोगों के, उन लोगों के झगड़ा लग रहा है लिटरली, ये ऐसे हिल रहा है ऐसे, बिल्कुल धड़ 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 बिल्कुल ओपी, मतलब ये देखो मशीन, मैंने बोलता ना मशीन लग रही है, जो निकाले जा रहे हैं ये देखो, ये मतलब अभी का नहीं है अंग्रेजों का टाइम का है, जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ। सोल्जर बन सिखो माड़ा टाइम कढ़ना, हार्ड वर्किंग वाला रूट नहीं ओ छड़ना, जानदा है जग कोई कड़ी होई गल ना, अखा बंद करके मुसीबतां दे हल। भाई सजवाद बताऊं ना, बहुत तरह से खा ले रही है यहाँ जाना, तुम्हारा भाई देखो रिस्क दे रहा हाई परसेंटेज, देख ले क्या है उसके अंदर, तो देखो वो देखो कोई सफेद सफेद दिखा तुम्हें पीछे, वो देखो ये देखो गाइस बंद कर दिया इन्होंने, ये देखो मैं और ये फंस गया। तो गुड आफ्टरनून गाइस, और टाइम हो रहा है 12:15 कल आया था ब्लॉग बनाने के बाद, अब ब्लॉग बनाने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी कुछ बोलना था तो वो बोल देता हूँ। तो रिस्पांस मतलब आप लोगों का मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत सही, मतलब बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था ऐसे रिस्पांस आएगा। तो मैंने सोचा कि जो दो भी दो कमेंट होंगे ना, दो कमेंट मतलब सबसे बढ़िया कमेंट जो लगेंगे मेरे को कि दो कमेंट, मैं वो अपनी आने वाली वीडियो में लगाऊंगा। तो वीडियो में लगाने के बाद, और उसके भी पहले मेरे को एक चीज़ बोलनी थी कि मतलब मैंने देखा ना जब चैनल में, मतलब मैं देख रहा था चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि 60% है जो लोग ऐसे जो मतलब ऐसी देख रहे, मतलब वीडियो, मतलब यार गाइस थोड़ा वो करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई को सपोर्ट मिलेगा, मतलब अच्छा लगेगा, सपोर्ट करके देखो, ऐसे चोरी चुपके देख के क्या फायदा, सब्सक्राइब करो अच्छा लगेगा दिल से, और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।